Is the the power of center, President of President India, to dismiss a state government absolute? Whether the presidential proclamation under Article 356 justiciable? And if so, to what extent? क्या किसी राज्य को बर्खास्त करने की केंद्र यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निरपेक्ष है क्या अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा नियोजित है और यदि हाँ तो किस सीमा तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत समझना होगा की सत्ताए अनुच्छेदी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 356 रिलेटेड जो कि अपना आप में स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है तो उस संबंधी यहाँ प्रेसिडेंट्स की जो सत्ताए है उसे यहाँ तय करने वाला यह फैसला है तो यहाँ हम इस मंच पर ग्रोथ माउंट यू क्या? इस यूट्यूब मंच से हम लोग यहाँ इस पूरे जो है फैसले को बहुत ही अच्छी तरीके से एक परीक्षा लक्षी जो है दृष्टि से देखेंगे मैं हूँ आपके साथ ध्रुजनी आप सभी का यहाँ स्वागत है इस मंच पर इस सूखा के तहत हम लोग अलग अलग जो महत्वपूर्ण तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो संधि सेवाओं की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है एवं अन्य जो साथी में प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण तो है उनका यहाँ हम लोग अध्ययन करते हैं एवं यहाँ से आपको एक सामान्य दृष्टिकोण भी मिलेगा तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि अगर आप संधि सेवाओं की परीक्षा करना चाहते हैं या अगर आप किसी न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए यह कंटेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तो है बहुत ही उपयोगी साबित तो होता है प्लस यहाँ मल्टीपल प्लेलिस्ट में इस मंच से के इस मंच से मल्टीपल प्लेलिस्ट में हम लोग यहाँ चीजों की चर्चा करते हैं जिनमें जनरल स्टडीज के तत्वों को हम लोग ध्यान में रखते हैं यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंट जजमेंट के तहत जब बात कर रहे हैं तो पैरल इंपोर्टेंट लॉज दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक जो हमारी प्ले है जो हमारी श्रेणी है वो भी चल रही है तकरीबन उसमें सौ से अधिक लेक्चर्स हो गए हैं और वो अब श्रेणी लगभग लगभग संपूर्ण होने जा रही है तो आप वहाँ से एक कॉम्प्रिहेंसिव भारत में जो कानून हुए जैसे हमें मालूम है कि भारत में कानूनी राज है तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में भारत की सरकार जो है वो कार्य करने के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण करती है तो उन कानूनों के बारे में हमें जो है माहिती होनी चाहिए जिनमें हम लोग प्रति कानून के परिचय एवं उसकी पृष्ठभूमि उसके मुख्य उद्देश्य उसके प्रमुख प्रावधान और अगर उसमें कोई संशोधन किए हुए हो तो वो संशोधन और अंततः हम लोग उसमें जो है उसके क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना एवं उसके महत्व की बात करते हैं यहाँ भी एक मोडस ऑपरें डी हमने सेट कर रखी है इन सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को देखने के लिए जिन जिनमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं यानी कि परिचय फिर बाद में पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये मुद्दा दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक दस्तक तक आया के साथ ही में फिर उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट देखते हैं दोनों पक्षों की चाहे वो याचिकाकर्ता हो चाहे वो प्रतिवादी हो वे देर रेस्पोंडेंट और पिटिशनर ठीक है फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है अवलोकन देखते हैं उसका फैसला देखते हैं जो कोई लीगल कानूनी जो प्रश्न है जो यहाँ जुड़े होते हैं ऐसे मुद्दों के साथ उनको भी देखते चलते हैं ठीक है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक दृष्टिकोण से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं विथ ए वेरी होलिस्टिक अप्रोच अब रही बात यहाँ इस पर्टिकुलर जो है लेक्चर की आज के तो ये लेक्चर सोलहवा है और यह पूरी श्रृंखला जो है वो इस आज़ादी के पचहत्तर वर्ष को समर्पित है आज के वर्ष आज़ादी को पचहत्तर वर्ष पूर्ण होने जा रहे हो तो यहाँ हम लोग यह सारे महत्वपूर्ण कानून जिन्होंने आज के भारत के इस स्वरूप में एवं भारत के संविधान के स्वरूप में एक बहुत ही महत्व की भूमिका निभाई है तो ऐसे कानून हम लोग यहाँ समर्पित करते हैं हमारे अमृत महोत्सव को अब यह सारी चीज़ें आप इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट है ग्रोथमाउंट एजुकेशन डॉट कॉम वहाँ से आप इन सारे चीजों की पी भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आप आज ही हमारे साथ वहाँ आइए हमारे साथ जुड़िए रजिस्टर कीजिए फिर ग्रोथमाउंट यूपीएससी यूट्यूब मंच है जिसके तहत हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो आप इसे भी ज्यादा से ज़्यादा जो है शेयर और आप कह लीजिए कि उसे एक प्रकार से जो है स्प्रेड कीजिए एवं आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के ऊपर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ग्रोथमोट यूपीएससी फेसबुक दोनों के साथ आप हमसे अपडेट रह सकते हैं तो अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा हमें परिचय से हमारी मूल चर्चा शुरू करनी है जिसमें दो बिंदुओं में सबसे पहले देखने हैं ठीक है सबसे प्रथम बिंदु उसमें कहता है कि एस आर बोमाई यूनियन ऑफ इंडिया Is a case or a landmark case related to the proclamation of emergency under Article 356 of the Constitution. Yes, as we all know, the provisions of emergency are being discussed. The provisions of emergency are being discussed. Provision of emergency are being discussed in Part 18 of our Constitution and from थ्री फिफ्टी टू टू थ्री फिफ्टी या थ्री लीजिए ठीक है मूलभूत यहां इमरजेंसी की प्रावधानों की चर्चा हुई है ठीक है इस आर्टिकल्स में अब यहां जो आर्टिकल हमारे लिए यहां थोड़ा महत्वपूर्ण तो है क्योंकि यह आर्टिकल अपने अपने भारत के राष्ट्रपति को कुछ सत्ताएं दे रहा है और यह सत्ता कुछ इस प्रकार की है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन ठीक है इस फैसले ने क्या किया इस फैसले ने संविधान की यह जो आर्टिकल्स है यह जो प्रावधान है उनको फर्दर सिंप्लीफाई किया उनका एनालिसिस किया या आप कह लीजिए इंटरप्रिटेशन किया ठीक है और हमारे सामने रखा और बताया कि भाई देखिए राष्ट्रपति जो है वो कर सकते हैं सौ फीसद कर सकते हैं आर्टिकल 356 का उपयोग करके मगर उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा अगर वो शर्तें पूर्ण हो रही है ने इस फैसले से रखी जो पहले नहीं थी और कहीं ना कहीं उसी के कारण इस राष्ट्रपति की सत्ता का दुरुपयोग भी होता था ठीक है तो कुल मिलाकर यहां 352 से 360 में भारत के संविधान के आर्टिकल 352 से 360 में इमरजेंसी की चर्चा की गई है उनके प्रावधान है जिनमें थ्री स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट की बात करता है आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है एंड आर्टिकल 360 सिक्सटी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है जिनमें फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत ने कभी भी लगाई नहीं गई या लगी ही नहीं ठीक है और राष्ट्रपति शासन का तो काफ़ी सारी बार प्रयोग हो, हो चुका है काफ़ी सारे राज्यों में ठीक है लगभग लगभग भारत के कोई भी राज्य इस आर्टिकल से Uh, जो है बाकत नहीं, नहीं है अपवाद नहीं है कोई भी राज्य अपवाद नहीं सभी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में यह लग ही गया है जो है एटलीस्ट फॉर वन टाइम एंड जो आर्टिकल 352 है वो एक बार लगा था एट द द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी ठीक है उनके द्वारा ही लगाया गया था तो कुल मिलाकर यह हमारे भारत के संविधान में इमरजेंसी संबंधी कुछ प्रावधान है प्लस आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमने यह जो पूरा विचार है वो विश्व के किस संविधान से बोरो किया है यह आइडिया जो है वो हमने कहाँ से बोरो किया है हालांकि वो सारी कुछ बेसिक और तथ्यात्मक महितियाँ हैं मुझे लगता है कि यहाँ उनका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ अपने आप में हम लोग भी इस कानून के बारे में इस कानून के पृष्ठभूमि एवं उसके परिचय और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में देखने का प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको जो है मालूम होना चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अब दूसरा बिंदु जो है वो कहता है कि दिस केस ऑल्सो डेल्ट विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिजोल्व स्टेट legislatures, यानी कि असेंबली एंड इश्यू रिलेटिंग टू फेडरलिज्म स्ट्रक्चर राइट तो यहाँ कुल मिलाकर जो राष्ट्रपति की सत्ताएं है ठीक है किसी भी राज्य सरकार को दुरुस्त करने की किसी भी राज्य सरकार को निष्क्रिय बनाने की और वहां उस राज्य में उस विशेष राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सत्ता यहाँ अपने आप में जो है उस सत्ता के ऊपर उस सत्ता के प्रावधानों के ऊपर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान घोर किया तो यही वो कैस है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जो है दृश्य में यह सारी चीजें आई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इसमें इंटरप्रिटेशन किया ठीक है तो यहां दो चीजें देखनी है एक है उसमें से फेडरलिज्म ठीक है जो कि समवाय तंत्र की बात करता है ठीक है भारत फेडरलिज्म है मगर यहां जो यूनियन है वो थोड़ा सा पावरफुल है इन रिलेटिविटी विथ स्टेट्स अगर राज्यों के साथ तुलना करें तो यहाँ केंद्र जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है तो इसलिए यहाँ हम लोग इसे एक एबसोल्यूट फेडरलिज्म नहीं कह सकते भारत को मगर इट्स मिक्सड ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा यहाँ बिंदु है ये सेक्युलरिज्म का ठीक है यानी कि बिंदु सांप्रदायिकता दायिकता ये दो चीजें जो है वो यहाँ इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है जो हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि इस फैसले के पहले काफी सारी बार जो है इस आर्टिकल का उपयोग करके प्रेसिडेंट ने काफी सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था एंड इट वर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म तो कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे जो है वो यहाँ आज इस फैसले के साथ जुड़े हुए हैं प्लस हमें बैकग्राउंड देखना है कि कैसे ये डेवलप पूरा इश्यू जो है वो हुआ और

कहा गया कि 21 अप्रैल उन्नीस को भारत के राष्ट्रपति ने एक उद्घोषणा जारी की और उस उद्घोषणा में कर्नाटका की जो बुम्बई सरकार की बुम्बई जो एस आर के नेतृत्व में जो सरकार थी जो बुम्बई सरकार थी उसे निष्कासित कर दिया उस कारणों के ऊपर निष्कासित कर दिया उस कारणों के ऊपर आधारित जो है वो निष्कासन था कि लार्ज स्केल डिफेक्शन हुआ यानी कि जो यहाँ इनके एमएलए थे आर मुंबई गवर्नमेंट के एमएलए थे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो सरकार से खींच लिया और ऐसे में यहाँ प्रेसिडेंट ने जो है राज्य सरकार को इन्फॉर्म किया कि भाई यू लॉस्ट योर मेजोरिटी अपने का बहुमत जो है वो गृह में खो दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसकी वजह से हमें आपकी सरकार को निष्कासित कर रहे हैं हम आपकी सरकार को डिसक्वालीफाई कर रहे हैं यानी कि रद्द कर रहे हैं ठीक है सो दिस वॉज द चीफ रीजन सर बो माई सॉट एन ऑपॉर्चुनिटी टू लॉस टू टेस्ट इज ऑपॉर्चुनिटी ऑन द असेंबली यस बट देन गवर्नर ऑफ कर्नाटका पी वेंटेश सुब्बा यस तो यहाँ ये भी एक चीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है किसी भी चीफ मिनिस्टर का जब गवर्नर को लगे जो प्रेसिडेंट को लगे कि भाई वहाँ के या किसी भी एक विशिष्ट राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है तो उस मुख्यमंत्री को एक मौका मिलना चाहिए फ्लोर टेस्ट करने का ठीक है और वो गवर्नर के द्वारा मिलना चाहिए मगर यहां तो गवर्नर ने भी रेफर कर दिया यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right था एक चीफ मिनिस्टर का कोई भी राज्य के वो राइट right ही जो है उसका ही हीशन कर दिया रिट इन द हाई कोर्ट ऑफ यस यह राइट वायोलेट हुआ इसलिए बोमाई ने कर्नाटका के हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 का उपयोग करते हुए एक रिट पिटिशन फाइल की यह हाई कोर्ट है इसलिए 226 ट्वेंटी अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो तो रिट पिटीशन में आ जाएगा आर्टिकल 32 राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट गवर्नर डिसीजन टू रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल ठीक है तो यहां इस तरीके से गवर्नर के इस निर्णय के सामने एस आर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की या हाईकोर्ट एम सॉरी एक याचिका दर्ज की हाईकोर्ट डिस्मिस ने उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया देन ही मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट गए तो इस तरीके से पूरा मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आया अब देखिए क्या क्या डेवलपमेंट हुआ न्यायिक लड़ाई थी जो एस आर ने शुरू की थी यूनियन ऑफ इंडिया के सामने ऑन इलेवंथ मार्च फोर ए नाइन जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इश्यूड द हिस्टोरिक ऑर्डर तब जाकर देखिए आप तकरीबन पांच छह वर्ष के समयकाल के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक नौ न्यायाधीशों की पीठ ने संवैधानिक के पीठ ने यह फैसला सुनाया द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोक्लेशन वैलेंज बाई पिटिशन इन हाई हाईकोर्ट एंड लेटर विदड्रॉन टू सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ ये जो प्रोक्लेशन किए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा वे अलग अलग हाईकोर्ट्स में उनको जो है चैलेंज किया गया था क्योंकि जैसे आपको कि मेनी इंस्टेंस ठीक है है आर्टिकल 356 का जो दुरुपयोग वो बढ़ गया था और काफी ऐसा, काफी सारी बार सारे उदाहरण है कि प्रेसिडेंट ने 356 का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को निष्कासित किया हो देर अदर केसेस ऑफ डिस्मिसल ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजोल्यूशनोजस्टीलैंड इलेवेंथ अक्टोबर नाइनटी वन मेघालय नाइन टू राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश बाबरी मस्जिद कॉन्ट्रोवर्सी वायोलेशन यस इट इज बिकॉज ऑफ बाबरी मस्जिद कॉन्ट्रोवर्सी क्योंकि तब जो है कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और एक पूरा जो अनसेक्युलर वातावरण है वो पूरे प्रदेश में फैल गया था पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गया था और जिसकी बदौलत तब वहां के प्रेसिडेंट ने वहाँ के मुख्यमंत्रियों का जो है अपने आप में या मुख्यमंत्री या वहाँ की सरकारों का इस्तीफा ले लिया था उनको निष्कासित कर दिया था ठीक so, है सो यहाँ कुल मिलाकर यहाँ नागालैंड है मेघालय है राजस्थान है मध्य प्रदेश है हिमाचल प्रदेश है मगर राजस्थान मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा सेक्युलर है इट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म यहाँ ये दो मुद्दे हैं वो मुद्दे फेडरलिज्म के हैं आज का जो कर्नाटक का मुद्दा है वो फेडरलिज्म का है ठीक है कर्नाटक का मुद्दा जिसकी वजह से ये सारे मुद्दे हमारे सामने आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को निष्कासित किया उनकी सरकार को निष्कासित किया तब के राष्ट्रपति ने तब वे सुप्रीम कोर्ट गए तब वे पहले हाईकोर्ट गए फिर बाद में वे सुप्रीम कोर्ट गए और तब ये सारी चीजें हमारे सामने आई तो कुल मिलाकर ये पूरा बैकग्राउंड है ये मात्र और मात्र एक ही ऐसा केस नहीं था कि जो कर्नाटक के साथ ही हुआ था काफी सारे राज्य जिसमें हमने देखे जहा केंद्र सरकार ने जो है पर्दे के पीछे रहकर राष्ट्रपति के द्वारा इन सरकारों को निष्कासित किया हो क्योंकि जैसा मैं मालूम है कि भारत में जो वास्तविक सत्ता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में होती है नहीं कि राष्ट्रपति के हाथ में राष्ट्रपति तो मात्र एक मोहरा है और वो केंद्र सरकार यानी कि जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल उसकी सलाह के ऊपर कार्य करता है तो अगर प्रधानमंत्री बोले कि भाई यहाँ ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो प्रेसिडेंट जो है वो उसे निष्कासित कर सकता है मगर वो कर सकते थे ठीक है उनमें कुछ शर्तें नहीं थी जो यहाँ इस फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने वो शर्तें लागू की है फर्दर हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब आर्ग्यूमेंट की बारी है दोनों पक्ष यानी कि प्रतिवादी हो चाहे चाहे वो याचिकाकर्ता हो ठीक है दोनों की हमें दलील है सुननी है सबसे प्रथम यहाँ याचिकाकर्ता थे एस आर बोमई एंड जो रिस्पोंडेंट प्रतिवादी थे वो थे यूनियन ऑफ इंडिया यानी याचिकाकर्ता एस आर बोमाई एंड रिस्पॉन्डेंट यानी कि जो प्रतिवादी थे वो यूनियन ऑफ इंडिया सो दिस वाज द केस अब देखिए यहां जो याचिका करता है उसने क्या कहा द मेन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर वाज दैट द पावर टू इश्यू प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज नॉट सब्जेक्टिव डिस्किसन और ओपिनियन बट ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, यस सो यहां बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है ठीक है वॉट इज सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी इज नथिंग बट डिसीजन्स और कंक्लूजन बेस्ड ऑन एजम्स ठीक है कोई भी मान्यता कोई भी कल्पना के ऊपर अगर कोई सार निकाला जाए किसी भी विषय वस्तु का तो उसे यहां सब्जेक्टिविटी कहता है जो यहां प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने कैसे ऐसे ही एजम्प्ट किया कि भाई आपने जो है एस आर को बोला प्रेसिडेंट ने कि भाई आपने मेजोरिटी जो है वो खो दी है सो इट वॉज सब्जेक्टिव ठीक है उन्होंने एक एजम्सन लिया कि इतने बड़े पैमाने पर जो है डिफेमेशन हो रहा है तो यहां यह सरकार के पास अब बहुमत नहीं होगा सो इट वॉज अ एजम्शन एक कल्पना थी जिनकी बदौलत उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन यूज किया अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस आर मुंबई की सरकार को जो है निष्कासित किया था तो वो यहाँ में सब्जेक्टिविटी देखनी है एंड ओन अदर एंड ऑब्जेक्टिविटी दैट आर द डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक है फैक्चुअलिटी के ऊपर जो चीज़ें बेस्ड होती है वहाँ उस ऑब्जेक्टिविटी कहता है तो यहाँ सबसे प्रथम जो याचिकाकर्ता थे एस आर बोमाई उन्होंने यही बताया कि भाई यहाँ जो प्रेसिडेंट की जो विवेक शक्ता है जो विवेक शक्ति है वो सब्जेक्टिव नहीं है वो ऑब्जेक्टिव है इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स नॉट मैर एजन्स तो ये पहला उनका तर्क था दूसरा मस्ट एग्जिस्ट टू कंक्लूड दैट द रिलेवेंट सिचुएशन हैच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैनोट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट एग्जिस्ट टू कंक्लूड ये ऐसे ही परिस्थितियों को होना जरूरी है ठीक है प्रेसिडेंट के लिए यहाँ जो याचिका करता है वो क्या कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी राज्य सरकार को निष्कासित करना चाहती है तो वह कर सकते हैं उनको संविधान ने सत्ता दी है मगर यहाँ कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कुछ शर्तें होनी चाहिए वो शर्तें क्या होनी चाहिए तो ऐसे सरकमस्टेंसेज ऐसी परिस्थिति यहाँ

उस उद्घोषणा में यह भी इंक्लूडेड होना चाहिए कि कौन सा ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट ने अपनी यह सत्ताओं का उपयोग किया प्रेसिडेंट को क्या लगा कि भाई यहां राज्यों में सरकार जो है या स्टेट मशीनरी जो है वो फेल हो रही है स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी इट कैन नॉट वर्क इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो यह सारे कारण यहां लिखे जाना चाहिए इस उद्घोषणा में इस प्रोक्लेमेशन में या चिकाग्रता नहीं यह तर्क भी दिया एंड सपोर्टेड विद द मटेरियल्स और वो जो कारण दिया उसके सपोर्ट में जो मटेरियल अवेलेबल है जो लिटरेचर अवेलेबल है वो भी उद्घाषणा के साथ अटैच होना चाहिए पब्लिक डोमेन में आना चाहिए इट इज कंटेंटेड दैट द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश वॉज मालाफाइड बेस्ड ऑन नो सेटिस्फेक्शन एंड वॉज अ पॉलिटिकल एक्ट यस तो यहाँ सर बुम्बई ने अपनी सरकार का अपनी सरकार का निष्कासन तो चैलेंज की ही किया है मगर उसके साथ जो उस समय कुछ ऐसे जो है एग्जाम्पल्स थे जहाँ राजस्थान था, था मध्य प्रदेश था हिमाचल प्रदेश था वहाँ की सरकारों को जो निष्कासित किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तो राष्ट्रपति के उन कदमों को उन निर्णयों को भी यहाँ चुनौती दी गई, गई सुप्रीम कोर्ट में या इस याचिका में

मगर अगर राजस्थान मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ तो मेरली वही कारण था कि जो कौमवाद है वो तब अपनी उच्च जो है सीमा पर था कम्युनल रायोट्स हो रहे थे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बाबरी मस्जिद जो है वो गिराई गई थी और फॉलोइंग बहुत ही जो है रायोटिंग भी हुआ था तो उसकी बदौलत यहाँ जो उस राज्य के काउंसिल्स थे जो उस राज्य सरकार के बिहाफ से लड़ रहे थे उनके लिए लड़ रहे थे यूनियन ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट के सामने उन्होंने ये कहा कि भाई जो कम्युनल राउटिंग है या जो डिस्टर्बेंस है वो कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए आ, आ, जो है राज्य सरकार का निष्कासन का ठीक है उनके द्वारा यह दलील रखी गई थी द काउंसिल फॉर पिटिशनर स्ट्रोंगली रिफ्यूटेड द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म यस यहाँ जो काउंसिल थे उनके जो पिटिशनर थे सॉरी उनके, उनके काउंसिल ने भी यानी कि उनके वकील ने भी सेक्युलरिज्म की यह बात को अपना सपोर्ट दिया अकॉर्डिंग टू दैम इट इज अ वेग कंसेप्ट नॉट अ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस के नॉट बी ग्राउंड फॉर टेकिंग एक्शन अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स उन्होंने यह बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्यक्ष रूप से इन चीज़ों की चर्चा नहीं हुई हुई है और ये चीजें जो है वो हिंसाकारी है गंभीर है तो ऐसे में यहाँ जो है केंद्र सरकार का ये कदम उन राज्य सरकार को निष्कासित करना वो असंवैधानिक है अयोग्य है ऑन द अदर हैंड द यूनियन ऑफ इंडिया अब बारी है यहां प्रतिवादियों की यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहती है इट yes, तो कि भाई प्रेसिडेंट की जो सत्ताए है तीन सौ के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सब्जेक्टिविटी के ऊपर आधारित है सबसे प्रथम तो जो वहां पिटिशनर ने ऑब्जेक्टिव बताया था वो यहाँ रेस्पोंडेंट ने सब्जेक्टिव बताया तो ये पहला बिंदु

And what tendered by minister to president? Judicial review of the reason, which led to the issuance of the टाइल प्रोक्लेमेशन ऑल्सो स्टैंड बाडी तो कुल मिलाकर यहाँ सरकार के द्वारा यह तर्क दिया गया कि भाई जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इश्यू करते हैं वो एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गव बाई प्राइम मिनिस्टर होती है वो मैं मालूम है तो कुल मिलाकर यहाँ प्रेसिडेंट जो है उसकी हरकत सरकार के इशारे पर होती है जैसे सरकार बताएगी जैसे प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल बताएगा वैसे यहाँ राष्ट्रपति जो है वो रिएक्ट करेगा उसकी हरकत रहेगी और यहां कहा गया है कि वो बात है सबक्लोज वन की सेवेंटी फोर सबक्लोज वन की मगर यहाँ सपक्लोज टू में ये भी बताया गया है कि भाई यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के तहत थ्री फिफ्टी सिक्स सबक्लोज वन का उपयोग करते हुए वो निर्णय अपने आप में जुडिशियल रिव्यू से परे है यानी कि वो न्यायोजित नहीं है वो न्यायोजित से परे है तो ये बात यहाँ बताई गई साथ ही में जिन जिन कारण जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री ने दी है प्रेसिडेंट को उन कारणों की भी यहां चर्चा नहीं हो सकती उनको भी कोई पूछ नहीं सकता उनका भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता ठीक है तो देर आर बेसिक फीचर ऑफ दिसमिस्ड इफ इट इज गिल्टी ऑफ अनसेक्युलर एक्ट यस यहां ये यह बताया कि देखिए जो सेक्यूलरिज्म है जो बिन सांप्रदायिकवाद है वो तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की एक मूलभूत जो तत्व तो है एक मूलभूत कड़ी है तो ऐसे में यहाँ यह तो एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अनसेक्युलर एक्ट्स को प्रिवेंट करने में अगर असफल रहे तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ अपने आप में या आप कह सकते हो कि गवर्नर जो है वो वहाँ अपने आप में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं इवेंट दू द डिमोलिशन ऑफ ऑफ द डिस्प्यूटेड राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर एज एन अनसेक्यूलर एक्ट और वो अनसेक्युलर एक्ट के तहत अगर बात करें राजस्थान मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ यही कारण था कि उस सरकार को निष्कासित किया गया क्योंकि अनसेक्युलर एक्ट जो है वो वहां उस प्रदेश में चल रहे थे इनफैक्ट बढ़ रहे थे तो ये यह यहाँ दोनों पक्षों के

जो आपतकालीन परिस्थितियों की चर्चा हुई है जो आपतकालीन प्रावधान है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में इंक्लूडेड है वहाँ उसकी चर्चा हुई है उनका प्रयोग तभी होना चाहिए जब परिस्थितियाँ आपतकालीन हो और वो परिस्थितियाँ उस प्रकार की उस किस्म की आपत्कालीन होनी चाहिए जिनका जिक्र यहाँ आर्टिकल थ्री से थ्री में हुआ है अन्य कोई भी परिस्थिति को आपातकालीन नहीं माना जाएगा अगर अन्य परिस्थिति को आपत्कालीन माना भी गया तो भी आपत्तकालीन जो प्रावधान है वो वहां लागू नहीं किए जा सकते ये सबसे प्रथम अवलोकन सुप्रीम कोर्ट ने दिया दूसरा ने बताया था कि यहां जो सब्जेक्टिव डिसीजन लिए जा रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्य सरकार को निष्कासित करने के लिए उनको बर्खास्त करने के लिए वो दरअसल ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए स्टेट ने यहाँ यानी कि जो रिस्पोंडेंट uh, थे जो यूनियन ऑफ इंडिया था उन्होंने यहाँ उल्टा बताया कि भाई ये तो सब्जेक्टिव ही है और सब्जेक्टिव ही रहना चाहिए मगर यहाँ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या अवलोकन है वो कहता है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मटेरियल यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसी परिस्थिति वास्तविक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होनी चाहिए जिससे सुप्रीम जो प्रेसिडेंट है वो संतुष्ट हो कि यस अब उस विशेष राज्य में उस विशेष प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है तब जाके वे लागू कर सकते हैं अन्यथा नहीं Not on assumptions. कल्पना नहीं मात्रा मगर वास्तविकता में वो परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए तीसरा बिंदु यहां कहा गया है गवर्नर एंड अदरवाइज और बोथ फ्रॉम द रिपोर्ट एंड अदर सोर्स तो यहां ये यह जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे आएगा जैसे कि यहाँ बताया गया कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी अब ऑब्जेक्टिविटी आएगी तो यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे माहि आएगी तो वहां इन माहि भी माहिती को भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए उनको भी प्रोक्लामेशन के साथ ही अटैच करना चाहिए जैसे पिटिशनर ने यहाँ जो है कहा था ये उन्होंने डिमांड की थी तर फोर द कंडीशन फॉर इश्यूइंग ऑफ द प्रोक्लामेशन आर यस तो यहाँ ये दो शर्तें तय हुई क्यों और किस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 356 के तहत उद्घोषणा जारी कर सकते हैं सबसे प्रथम तो प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज यस या तो प्रेसिडेंट जो है वो संतुष्ट होना चाहिए या तो गवर्नमेंट गवर्नर के द्वारा कोई भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा अहवल के द्वारा या अहवल के मरफत थ्रू आप कह सकते हो रिपोर्ट या किसी और मीडियम से जैसे प्रेसिडेंट जो है वो जो है अपने सेक्रेटेरिएट के द्वारा कुछ ऐसे परिस्थितियों का जो है परिस्थितियों का अवलोकन करने भेजे उसकी रेकी करने भेजे तो ये दो यहाँ सोर्स है एक तो गवर्नर का रिपोर्ट या एक अन्य सोर्स मगर प्रेसिडेंट संतुष्ट चाहिए ये बात यहां उसके ऊपर भार दिया गया है और दूसरा सिचुएशन इज इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैनोट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा यह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिए कि जहां राज्य सरकार जो है वो क्रिया करने के लिए असक्षम हो भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत क्रिया करने के लिए असक्षम हो तो ऐसी चीजें बताई गई है। The Proclamation under Article 356 356 yes, कहा गया कि गया कि जो किया है, President के द्वारा का उपयोग करते हुए जो उद्घोषणा की गई है वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है नॉट इम्यून मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है इट कैन बी चैलेंज हालांकि यह प्रोक्लेमेशन चैलेंज नहीं हो सकता मगर प्रोक्लेमेशन

Uh, जो है जुडिशियल रिव्यू के एम में आएगा ही आएगा और वो सीमा क्या होगी वो सीमा होगी कि यह कारण जुडिशियल रिव्यू के तहत ऐसे कारण आएंगे जिससे राष्ट्रपति का प्रोक्लेमेशन बना है जिससे राष्ट्रपति की उद्घोषणा बनी है इवन दो 74 फोर सप्लोज टू बार्स जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर कंसर्न इट डज नॉट अबाउट स्क्रूटिनी ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच द एडवाइस इज गिवन यस yes. कहा गया है कि जैसे आर्टिकल 74 जो है उसका सब प्लस टू जो है वो ऐसे कारणों की चर्चा भी बार करता है कारणों का जुडिशियल रिव्यू भी बार करता है मगर यहाँ कहा गया है कि जो मटेरियल यूज हुआ है उन कारणों को बनाने के लिए वो मटेरियल की स्क्रूटी नहीं यहाँ जरूर हो सकती है तो कुल मिलाकर जिन आधार पर जिन साहित्य के आधार पर जो कारण बने हैं और जिन कारणों के आधार पर राज्य सरकार का निष्कासन हुआ है वो मटेरियल वो साहित्य जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में है वो एम्बिट में है जो प्रोक्लेमेशन है डायरेक्टली वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नहीं है और जो कारणों की चर्चा दी गई है जो मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को बताए होंगे तब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हुए होंगे तो वो कारण भी जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नहीं है मात्र और मात्र जिन साहित्यों से वो कारण बने हैं वो साहित्य ही इस जुडिशियल रिव्यू यानी कि इस न्यायोजित प्रक्रिया के जो है एम्बिट में है the power of dissolving the legislative assembly shall be exercised only after the proclamation is approved by both houses of the parliament under clause 3 of the article 356 and not before yes yahan proclamation jo hai wo tabhi अप्रूव किया जाना चाहिए या जो है लागू होगा जब दोनों सदन दोनों जो ग्रुप है वो इसको अप्रूव करेंगे अन्यथा यह proclamation लागू नहीं हो सकता ऐसा यहाँ एक ऐसी शर्त यहाँ

Uh, जो है आप कह लीजिए कि उसे पारित नहीं करता उसके साथ सहमत नहीं होता तो ऐसे में यहाँ प्रोक्लोमेशन रद्द हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा इट विल लैप्स। विलच हैज तो ऐसे में अगर प्रोक्लोमेशन अगर खत्म हो गया तो ऐसे में जो सरकार जिसको निष्कासित किया गया था वो फिर से सत्ता में आ जाएगी द गवर्नमेंट विच वॉज डिसमिस्ड विल रिवाइव द लेजिस्लेटिव असेंबली विच सस्पेंडेड एनिमेशन गेट्स यस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो सस्पेंड हो रही थी क्योंकि जैसे हमने देखा कि जब तक दोनों ग्रह इसके ऊपर वोटिंग नहीं करते उसको पारित नहीं करते तब तक राष्ट्रपति इसकी राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा को लागू नहीं किया जा सकता तो ऐसे में यहाँ तब तक मात्रा सस्पेंड ही किया जा सकता है और अगर प्रोक्लोमेशन लैप्स हो गया तो यहाँ जो डीएक्टिवेटेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो फिर से एक्टिव हो जाएगी फिर से सक्रिय हो जाएगी इफ द कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन द प्रोक्लेमेशन इट इज द पावर टू रिस्टोर द गवर्नमेंट एंड रिव्यू द लेजिस्लेटिव असेंबली वेर एवर इट अंडर सस्पेंशन यस अगर कोर्ट जो है वो प्रोक्लेमेशन को रद्द कर दे इस असंवैधानिक बता दे राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन को तो कोई भी सरकार जो है वो वापस आ सकती है कोर्ट में या जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में यह ताकत है कि वो फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्टोर कर सकते हैं इन केस इफ प्रेसिडेंट फिर विध रिगार्ड टू हैज क्रिएटेड दर्ट फेडरेशन बट विध इन ऑफ सेंटर जिसका जिक्र किया आर सुप्रीम the yes, मगर यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सत्य स्पष्ट किया कि भाई जो जो विषय यहां राज्यों को आवंटित तो हुए है जो राज्य सूची के तहत है उनके ऊपर निर्णय लेने की क्षमता जो है वो राज्य की है सर्वोपरि क्षमता जो है, वो राज्य की है द फ्रॉम द रिलीजियन फेथ बिलीफ ऑफ ए पर्सन इज इन मटीरियल टू द स्टेट ऑल आर इक्वल एंड आर एंटाइटलिजम इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द ये तो में कर दिया कि भाई राज्यों को जहां जहां सत्ताएं अगर सेक्युलरिज्म की बात आए तो सेक्युलरिज्म अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अवश्य है और ऐसे में राज्यों को सभी नागरिकों को समान देखना चाहिए राज्यों को अपने नागरिकों के फेथ वर्शिपिंग

राज्य की जो है जुडिस्टिक्शन के ऊपर उनकी सत्ताओं के ऊपर उसका स्पीयर में जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भाई राज्य को जो आवंटित विषय है उनके कार्यक्षेत्र में तो बेसिकली उनके कार्यक्षेत्र में राज्य सर्वोपरि है मगर ऑन द अदर हैंड जो प्रोक्लमेशंस इन रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश थे दैट वर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वे असंवैधानिक नहीं थे सेकुलरिज्म तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उनको बचाना कोई भी केंद्र सरकार का कोई भी प्रेसिडेंट का दायित्व है तो वहां जो किया वो ठीक हुआ सुप्रीम कोर्ट का यहां बेसिकली कहना है ठीक है राज्य में सेक्युलरिज्म बढ़ना चाहिए अनसेक्युलर एक्ट अगर हो रही है तो वो पीस लॉ एंड ऑर्डर एंड जो है पब्लिक पीस को वो नुकसानकारक है बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म जो है वो भारत का भी हिस्सा है तो ऐसा में यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया वो संवैधानिक है वो बिन संवैधानिक असंवैधानिक नहीं है मगर ऑन द अदर हैंड कर्नाटक नागालैंड एंड मेघालय उन तीन राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाए गए वो गैर संवैधानिक है वो असंवैधानिक है सो दिस वॉज द केस अब यहां मैं इस पर्टिकुलर फैसले के महत्व एवं इसके प्रभाव को देखना है शुरुआत करेंगे महत्व से तीन बिंदु है सबसे प्रथम जजमेंट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट साइटेड वेन एवर हंग असेंबली इज रिटर्न एंड पार्टी इज क्रेम्बल टू फॉर्म ए गवर्नमेंट यस तो यहाँ ये इतना पॉपुलर हो गया यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि 356 का उपयोग जो है वो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को भी परिपूर्ण करने के लिए कर रही है अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है तो ऐसे में जहाँ जहाँ भी हंग असेंबलीज हुई है वहाँ वहाँ यह कानून ने अपने आप में हमें प्रकाश दिया है कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए तो यह जजमेंट अपने आप में पॉपुलर हो गया है आज भी महाराष्ट्र में जहाँ शिवसेना और जो है उसके जो बागी जो विधायक हैं उनके बीच में जो आज सियासी जंग चल रही है तो कहीं ना कहीं उसमें भी यह चीज़ें हमें मददरूप हो सकती है हालांकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो मुद्दा है वो थोड़ा सा भिन्न है इट इज़ एन इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई दुश्मनावट नहीं है प्रेसिडेंट का कोई इसमें प्रोक्लोमेशन नहीं आया है मगर फिलहाल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपना भरोसा अपना विश्वास जो है मेजोरिटी जो है वो खो चुकी है और ऐसे में उन्होंने अपना आप दावा किया है गवर्नर के पास कि वे उनके पास बहुमत है मेजोरिटी है तो यहाँ गवर्नर ने उन्हें अनुमति दे दी है अपना प्रोटेस्ट करने के लिए प्लस यहाँ जो बागी बागीदारा सभी है जिनमें एक नाथ एक नाथ सिंधे जो है वो महत्वपूर्ण और जो है नेता के स्वरूप में है उनका भी यह दावा है कि उनके पास भी तकरीबन 50 के आसपास विधायक है ठीक है 50 के आसपास विधायक यानी कि यहाँ सरकार बनना जो है वे बना सकते हैं ठीक है भाजपा या अन्य कोई और राजनीतिक संगठन की मदद से तो यहाँ अब उन्होंने भी गवर्नर को चिट्ठी लिखी है उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे भी फ्लोटेस्ट करने का मौका दो मुझे भी अपनी बहुमती

निजी मनसूबे के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आ, कोई भी विशेष राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी तो यहाँ अब शर्त आई राष्ट्रपति को कैसे आ, जो है निर्णय लेना है निर्णयों के कौन कौन कारण होंगे जुडिशियल रिव्यू फेडरलिज्म में स्टेट जो है उसकी सुप्रीमेसी अपने आ, जो है डोमेन में ठीक है तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब यहाँ आर्टिकल थ्री का जो दुरुपयोग है वो अब धीरे धीरे कम होता गया है शून्य हो गया है इट कैटेगरिकली सेट दैट द फ्लोर ऑफ द असेंबली इज द ओनली फॉर्म टू टेस्ट द मेजोरिटी एंड नॉट द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द गवर्नर यस इस कानून ने स्पष्ट कर दिया दो चीज़ें स्पष्ट की कि भाई फ्लोर जो है वही एक मंच है जहाँ कोई भी मंत्री कोई भी मुख्यमंत्री अपनी बहुमत साबित कर सकते हैं नहीं कि कोई सब्जेक्टिव एजम्पन कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन प्रेसिडेंट का

ठीक है मगर यहाँ लेटर ऑन देवर फोर्स टू रीन स्टेट टू रिस्टोर द सेक्ट गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ का यह बोमई केस का फैसला यहां था सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किन किन शर्तों के अधीन प्रेसिडेंट जो है वो अपना निर्णय ले सकते हैं और वो निर्णय ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो ये सारी चीजें वहां उन्होंने बताई थी मोस्ट रिसेंटली टू थाउजेंड सिक्सटीन द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन द ऑनमई केस देंटर टू रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन उत्तराखंड हरीश रावत टू एज्यूम दीफर्स तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार यह अपने ही केस को साइट किया और फिर से एक बार यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि भाई आपने जो प्रेसिडेंस रूल फोर्सली इंड्यूस किया है उत्तराखंड में वो अपना आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप तो एस आर बोमाई केस स्टडी कर लीजिए और जो हरीश रावत है जिनको अपने निष्कासित किया है उनकी सरकार को वापस सत्ता में जो है लाए सो दिस वॉज द केस दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस जजमेंट आई होप यू जूड द लेक्चर यह पूरे उपाख्यन में हमने इस फैसले के बारे में हमने 360 डिग्री व्यू लेने का प्रयास किया और चीज़ों को एक परीक्षा दृष्टि से देखने का प्रयास किया हम लोग मिलेंगे जो है इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यन में जो रहेगा उपाख्यन सत्तारावा जिनमें एक और फैसले के बारे में बात करनी है साथ ही व्रत माउंट यू के ऊपर पैरल प्ले लिस्ट चल रहा है जिनमें डेली करंट अफेयर्स रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया हाइपोथिस हिस्ट्री तो ये सारी चीज़ें हैं उनका भी आप लाभ ले सकते हैं वो आपको आपके सामान्य अभ्यास में प्रबुद्ध करने में बहुत ही काम आएंगे तो आज इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त देखते रहिए व्रतमाउंट यू पी साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जय हिंद जय भारत